मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कौन सा महान परिवर्तन और बड़ी उपलब्धियां लेकर के जुलाई का महीना आ रहा है। यह जो मिथुन राशि वालों का राशिफल है, यह चंद्र राशि और लग्न कुंडली दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको नहीं पता है कि आपकी चंद्र राशि या आपकी लग्न कौन सी है, तो आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस राशिफल को देख सकते हो, समझ सकते हो। स्क्रीन पर आप चार्ट देखिए, आपके लग्नेश बहुत ही पावरफुल स्थिति में शुरुआत में रहेंगे। बुधदेव ये भद्र नाम का राजयोग बना करके लग्न में बैठे हैं और यहाँ पर बहुत ही पावरफुल स्थिति में हैं। पहली चीज़ तो ये अस्त नहीं है और दूसरी चीज़ स्वराशि में है, स्थान बल इनको मिल गया, दिशा बल मिल गया और वहीं पर जब ये राजयोग बना करके बैठे हैं तो इस जुलाई के महीने में मान सम्मान मिलना, ऊंचाइयां मिलना, अच्छे लोगों से संबंध बनना और साथ ही साथ प्रत्येक क्षेत्र में आपको सफलता मिलना, स्वास्थ्य पूरा महीना बढ़िया रहना, ऐसे योग तो अकेले आपके लग्नेश बुध देव बना करके बैठे हुए हैं। ये बुध देव आपके लग्न में बैठे रहेंगे 7 तारीख तक, उसके बाद ये धन भाव पर बैठ जाएंगे। लग्नेश जहाँ पर भी बैठता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। धन स्थान में जब ये जाएंगे तो धन की वृद्धि करने लगेंगे। कहने का मतलब ये है लग्न और लग्नेश बड़ा ही पावरफुल स्थिति में आपके बने हुए हैं, जिसके फलस्वरूप काफ़ी अच्छे रिजल्ट सभी मिथुन राशि वालों को मिलने वाले हैं। इसके बाद अब बात करेंगे नौकरी करने वालों की, तो नौकरी करने वालों के लिए स्थितियां बहुत अच्छी बनी हुई हैं। नौकरी के आपके मालिक बन जाते हैं मंगल देवता, ये अपने मित्र के राशि में अपने स्थान से 4-10 का संबंध बना करके बैठे हैं और वहीं पर कार्य क्षेत्र के मालिक होकर के गुरुदेव बृहस्पति ये आपके एकादश भाव में हैं। मंगल की अपने ही घर पे दृष्टि है। अगर नौकरी नहीं है तो आपको प्रयास करना चाहिए, आपको नौकरी मिल जाने के योग यहाँ पर बन जाएंगे, क्योंकि मंगल अब आपके तीसरे स्थान में बैठे हैं और तीसरे स्थान में जब मंगल रहते हैं तो यहाँ पे मंगल को बल मिल जाता है। पराक्रम के कारक हैं और पराक्रम भाव में जब ये बैठेंगे तो ऊर्जा जबरदस्त तरीके से आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। और वहीं पर स्वराशि पर दृष्टि होना, इसका मतलब ये रहा कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाने के भी योग दिखाई पड़ेंगे। अगर नौकरी पहले से करते हो तो उसमें स्थितियां आपके लिए बढ़िया बनी रहेंगी, उसमें लाभदायक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे, बॉस उच्च अधिकारी का आपको सहयोग मिलेगा, इच्छाओं की पूर्ति समय समय पर होते हुए इस जुलाई के महीने में सभी मिथुन लग्न और मिथुन राशि के व्यक्तियों को दिखाई पड़ेगी। शनिदेव इस महीने वक्री रहेंगे, भाग्य भाव में बैठे हैं, पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे और वक्री ग्रह वैसे भी बलवान होता है, इसका मतलब ये रहा कि भाग्य तेजी से आपका साथ देता रहेगा, क्योंकि शनि जो वक्री होंगे ये 6 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। वर्तमान में 13 डिग्री के चल रहे हैं और ये 6 डिग्री तक वक्री रहेंगे, यानी कि भाग्य भाव में ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये रहा दैवी कृपा आपके ऊपर बनी है, जिसका लाभ अब आपको तेजी से मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि लग्न लग्नेश बलवान हुए। अब बचे आपके सर्वाधिक कारक ग्रह शुक्रदेव, ये आपके पंचमेश होते हैं, इनका गोचर भी तृतीय स्थान में मंगल के साथ पूरा महीना रहेगा। तो शिक्षा में, उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों के लिए स्थितियां अनुकूल बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। पूरे महीने सभी विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा, कॉम्पिटिटर्स वगैरह जो आपके हैं डिफीट खाएंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया तरीके से चलती रहेगी। आपको ध्यान क्या रखना है, आपके बुद्धि भाव पर राहु की गुरु की दृष्टि है, केतु ऑलरेडी यहाँ पर बैठे हुए हैं,
इसका मतलब ये रहा कि जो लोग बाहर खाना पीना अधिक खाते हैं, सात्विक भोजन उनको ग्रहण करना चाहिए, ताकि पेट जन्य यदि आपकी बीमारी पहले से चली आ रही है तो वह न बढ़े। अगर किसी भी प्रकार से आप पेट जन्य रोग से ग्रसित हैं और आपको समस्या हो रही है, तो शुक्रदेव के मंत्रों का जप करके अपनी यह समस्या आप दूर कर सकते हैं। प्रेम के लिए समय सामान्य रहने वाला है, और वहीं पर वैवाहिक जीवन की यदि बात करें तो पूरा महीना वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया चलता रहेगा, और जो अविवाहित हैं उनके विवाह की चर्चाएं हो सकती हैं, प्लानिंग हो सकती है, शादी हो जाने के प्रबल योग दिखाई पड़ रहे हैं, संतान से संबंधित कुछ अच्छे समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं, ऐसे योग दिख रहे हैं। अब बात आती है कि उपाय क्या किए जाएं। तो यदि आपकी मिथुन राशि है तो लग्नेश बहुत अच्छी स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, तो ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करिए ताकि आपको फायदा हो। यह ध्यान रखिएगा, जो यह राशि फल मैंने आपको बताया है यह गोचर के अनुसार बताया है। गोचर में सभी मिथुन राशि वालों के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी हुई है, किंतु यह ध्यान रखिएगा अगर आपकी महादशा और अंतरदशा फेवर नहीं कर रही है तो कितनी भी आप ताकत लगा लीजिए आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो आपको अपनी महादशा और अंतरदशा के अकॉर्डिंग ही उपाय करने होंगे। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।